हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज़ फाइनली वीक 34 की फुल टीआरपी हमारे पास आ चुकी है और गाइज़ काफ़ी ज़्यादा नए शोज़ की ओपनिंग टीआरपीज़ हैं, तो फुल वीडियो देखते रहिए, इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे शोज़ की टीआरपी देखने से पहले हम देख लेते हैं हमारे टॉप जो जनरल एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं उनकी कैसी पोजीशन आई है, कैसी रैंकिंग आई है इस हफ्ते। तो नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 7 पे है एंड टीवी, उसके ऊपर नंबर 6 पर है स्टार भारत। तो इस रैंकिंग में कुछ खास फ़र्क है नहीं हर बार की तरह। नंबर 5 पर है जी टीवी, उसके ऊपर है नंबर 4 पर सोनी टीवी। सोनी टीवी के ऊपर नंबर 3 पर है सब टीवी। सब टीवी के ऊपर नंबर 2 पर आया है इस हफ्ते कलर्स टीवी। और गाइज नंबर 1 पे वैसे ही है स्टार प्लस हर हफ्ते की तरह। टॉप 3 चैनल स्टार प्लस, कलर्स टीवी, सब टीवी। अब हम देख लेते हैं सारे शोज़ की टीआरपी। पहले स्टार्ट करते हैं एन टीवी से। तो गाइज एन टीवी पे और भाई क्या चल रहा है कि आई है 0.2 टीआरपी, हर हफ्ते इतनी ही होती है। एक माना एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 0.4 है, घर एक मंदिर की 0.2 है, हप्पू गुल्टन बल्टन की 0.3 आई है, भाभी जी घर पर हैं की 0.4 है, और गाइज मौका है वारदात की काफ़ी ज़्यादा लो 0.1 है हर हफ्ते की तरह। तो बी आर अम्बेडकर और भाभी जी घर पर हैं हाईएस्ट परफॉर्मर्स, और हप्पू गुल्टन बल्टन की अभी भी 0.3 है। काफ़ी हफ्तों से इसकी 0.4 हमें देखने को नहीं मिली है, वरना इसकी भाभी जी जितनी होती है। एनीवेज कुछ खास फर्क नहीं है, अगर आने वाले हफ्तों में जल्दी ही भाभी जी ऐसी टीआरपी इसकी हो सकती है। तो गाइज अब हम देख लेते हैं स्टार भारत के शोज़ की टीआरपी। तो इसके शोज़ पे अगर हम नज़र डालें तो लक्ष्मी घर आई जो कि नया सीरियल ही है, 0.2 टीआरपी है उसकी। तेरा मेरा साथ रहेगी सेकंड वीक की टीआरपी आई है 0.5। तो गाइज साथिया का रिबूट जो है 0.5 की टीआरपी लेकर आया है अपने सेकंड हफ्ते में, ठीक ही परफॉर्म कर रहा है चैनल के हिसाब से। 0.5 ठीक है, अगर इससे नीचे घटती है 0.2 वगैरह या फिर 0.1 पे पहुंचती है तो मुश्किल होगा, लेकिन अभी के लिए तो 0.5 या फिर 0.6 अगर मेंटेन करके रखता है तो ठीक रहेगा। राधा कृष्ण जो कि हाईएस्ट परफॉर्मर है चैनल का, उसके 0.6 है, तो वो भी इतने ज़्यादा महीनों से 0.6 ही लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी शो चैनल पर टिका हुआ है। तो वैसे ही तेरा मेरा साथ रहे अगर 0.5 या 6 लेकर आता है तो वो चैनल पर जरूर टिका रहेगा। स्टार भारत के लिए यही काफ़ी बड़ी बात है। महादेव के रीरन जो है उनकी 0.2 टीआरपी आई है, काफ़ी घट गई है, स्टार्टिंग में काफ़ी अच्छी आ रही थी। बाकी आने वाले दिनों में स्टार भारत पे और भी कई इंटरेस्टिंग शो हैं। एक तो राधा कृष्ण का ही प्रीक्वल आ रहा है जय कन्हैया लाल की, तो देखते हैं उसकी टीआरपी कैसे आएगी राधा के मुकाबले। और वैसे ससुराल गेंदा फूल जो कि स्टार प्लस का सीरियल है, उसका भी सीज़न 2 आने वाला है स्टार भारत पे, तो वो भी कैसा परफॉर्म करता है ये सब इंटरेस्टिंग होगा देखना स्टार भारत के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले चैनल की तरफ जो कि है जी टीवी। तो गाइस जी टीवी के शोज़ हैं हमारे सामने। अपना टाइम भी आएगा कि इस हफ्ते आई है 0.7 टीआरपी, रिश्तों के मांझा की आई है 0.6। तो गाइस रिश्तों का मांझा जो नया शो है उसकी 0.6 आई है। मीत की 0.8 आई है ओपनिंग टीआरपी, तो ठीक है। तेरी मेरी एक जिंदड़ी की 0.7 आई है, भाग्य लक्ष्मी की 1.7 है, ये शो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टेबल परफॉर्म कर रहा है। कुमकुम भाग्य की भी 1.7 है, ये भी काफ़ी कांस्टेंट है। कुंडली भाग्य की भी अच्छी टीआरपी आ रही है 2.1 है, और ये हाईएस्ट परफॉर्मर है फिलहाल जी टीवी का। क्यों रिश्तों में गट्टी बट्टी भी काफ़ी कांस्टेंट टीआरपी लेकर आता है, 0.9 या फिर 1.0 होती है इसकी हर हफ्ते। कुर्बान हुआ की वैसे 0.6 है, और जी कॉमेडी शो की 0.4 है जो कि लोएस्ट टीआरपी शो है फिलहाल जी टीवी पे। लेकिन जी टीवी 1 पॉइंट के आसपास की टीआरपी लेना जी कॉमेडी शो से, और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी उन्होंने इस सीरियल पर, लेकिन कुछ खास नहीं चला है, फ्लॉप ही हो गया है। तो ये थी जी टीवी की टीआरपी। अब हम देखते हैं सोनी टीवी की तरफ। सोनी टीवी की टीआरपी देख लेते हैं। तो मेरे साई की आई है 0.7 टीआरपी इस हफ्ते। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई की 1.0 आई है, हर हफ्ते की तरह काफ़ी कांस्टेंट स्टेबल परफॉर्म करता हुआ ये शो। विघ्नहर्ता गणेश की 0.6 है, और अब टाइम स्लॉट चेंज के बाद ये कैसा परफॉर्म करेगा वो देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्या ये 0.5 या इसके आसपास लेकर आ पाएगा या फिर नहीं। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी का जो सीज़न 3 है अभी भी 0.3 पर ही अटका हुआ है, तो इसकी टीआरपी बिल्कुल भी बढ़ जो है नहीं रही, और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजर जोन में है। तो गाइज कौन बनेगा करोड़पति की ओपनिंग टीआरपी आई है 1.4 की टीआरपी लेकर आया ये शो इस बार। क्राइम पेट्रोल की आई है 0.4, और सुपर डांसर चैप्टर 4 की 1.9 हो गई है, 2 से नीचे गिर चुकी है सुपर डांसर की टीआरपी। और इंडियन आइडल तो अब चला गया है जो कि सोनी टीवी का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परफॉर्मर था, लेकिन द कपिल शर्मा शो लॉन्च हुआ है, और कपिल शर्मा शो की जो ओपनिंग टीआरपी हमें देखने को मिली है वो है 2.0। तो 2.0 की टीआरपी लेके आया है, नॉट बैड, काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीआरपी लेकर आया है, और अगर ऐसी मेंटेन करता रहा तो अगर 2.3 भी लाता है तो काफ़ी अच्छा है सोनी टीवी के लिए। इंडियन आइडल तो चला गया, लेकिन कपिल शर्मा शो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और सुपर डांसर की थोड़ी घटी है, लेकिन आई एम श्योर बढ़ जाएगी वो फिर से। बाकी जो शो काफ़ी ज़्यादा बुरा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल के लिए वो कुछ रंग प्यार के ऐसे भी ही है सोनी टीवी पे टीआरपी के मामले में, लेकिन पॉपुलैरिटी तो उसकी काफ़ी ज़्यादा है, बट टीआरपी अनफॉर्चुनेटली उसकी नहीं आती है।
अब हम चलते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है सोनी सब सब टीवी। हीरो गए मोड ऑन को देखते हैं तो उसकी 0.6 टीआरपी आई है। तो गाइस ये टाइम स्लॉट चेंज के बाद वाला नहीं है, अभी टाइम स्लॉट चेंज के पहले वाली टीआरपी ही है। तो 0.6 आई है इसकी 8 बजे वाली टाइम स्लॉट पे। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लाया है इस हफ्ते 2.0 की टीआरपी। वागले की दुनिया की 1.0, ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है। और तारक मेहता की भी ठीक टीआरपी आई है इस हफ्ते। 13 यार हूँ मैं की 0.7 है। तो गाइस 13 यार हूँ मैं काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टेंट हो गया है दोबारा 9:30 बजे की टाइम स्लॉट पे। और हम देखते हैं इसकी टाइम स्लॉट चेंज होने वाली है 10 बजे की हो गई है, तो उस पर कितनी अच्छी टीआरपी लेकर आता है, होने वाली है बाद में, तो उस पर कितनी अच्छी टीआरपी लाता है फिर नहीं वो हम देखेंगे। लेकिन गाइस 13 यार हूँ मैं ऑलरेडी डेंजर जोन में है, बिकॉज अब नहीं हुआ तो उसकी टाइम स्लॉट चेंज कर दी, लेकिन बाद में ऑफर जाने ही वाला है सब टीवी पे जो दूसरे नए शोज आने वाले हैं। मैडम सर की 0.5 आई है इस हफ्ते, इसकी टाइम स्लॉट भी 10:30 बजे कर दी गई है, तो उस पर कितनी टीआरपी लाएगा हम देखेंगे आने वाले हफ्तों में। और जीजाई छत पर कोई है कि 0.4 है, वैसे ही जीजाई छत पर कोई है कि जब से टाइम स्लॉट चेंज करी गई है इसकी कोई मार्केटिंग वगैरह प्रोमो वगैरह भी नहीं दिखाए गए हैं, कुछ खास अच्छी प्रमोशन नहीं करी गई है। पहले अच्छी टीआरपी लाया था जब ये 10:30 बजे पे हुआ था, लेकिन उसके अगले हफ्ते से फिर से कम लाने लग गया और अब ऑफर जाने वाला है। एनीवेज हम देखते हैं अगला चैनल जो कि है कलर्स टीवी। तो गाइस ससुराल सिमर का सीजन 2 की आई है 1.0 टीआरपी, उड़ारियां की 1.8 है, काफ़ी अच्छी स्टेबल टीआरपी शाम की टाइम स्लॉट के हिसाब से। छोटी सरदारनी की 1.5 है, एक और इंक्रीज हमें इसमें देखने को मिला है। बालिका वधू 2 की 1.2 है, बेरिस्टर बाबू की भी 1.2 है। नियमा डेंजोंगपा की ओपनिंग टीआरपी आई है 1.4 9 बजे की टाइम स्लॉट पे। थोड़ा सा बादल थोड़ा सा पानी की आई है 1.1। और गाइस मोलकी की आई है 1.0 टीआरपी इस हफ्ते, शक्ति की 0.5 है, डांस दीवाने सीजन 3 की 1.4 है और खतरों के खिलाड़ी की आई है 2.4 इस हफ्ते। चलते हैं अब हम अगले चैनल पे। अगला चैनल है हमारे पास स्टार प्लस। तो गाइस स्टार प्लस के शोज़ को आपकी नज़रों ने समझा लाया है 0.7 टीआरपी, मेहंदी रचने वाली लाया है 1.0 की टीआरपी, जिंदगी मेरे घर आना की 0.9 रही है। तो गाइस इस शो की टीआरपी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, और मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाया था कि ये ऑफर के डेंजर में है, अभी के लिए ऑफर डेंजर जोन में है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस वीडियो का। पांडा स्टोर की काफ़ी अच्छी 2.0 है अर्ली टाइम स्लॉट पर भी। गुम है किसी के प्यार में की 3.3 है, इमली की 2.6 है, साथिया 2 की 2.2 है, ये रिश्ता क्या कहलाता है 2.1 है। रिश्ता क्या कहलाता है में मेजर चेंजेस होने वाले हैं, नए लीड्स आने वाले हैं, कहानी बदलने वाली है। उसके बाद टीआरपी में कैसा परफॉर्म करता है वो हम देखेंगे आने वाले महीनों में। अनुपमा की आई है 3.4। तो गाइस गुम है किसी के प्यार में के पास ही आ गया है अनुपमा, 4.0 ला रहा था कुछ हफ्तों पहले, लेकिन अब 3.4 पे आ गया है। टीआरपी स्टिल बहुत अच्छी है, माइंड ब्लोइंग है, लेकिन अगर ऐसे ही रही तो गुम है किसी के प्यार में जल्द इसको ओवरटेक कर सकता है, यानी कि गुम है किसी के प्यार में अनुपमा से ज़्यादा टीआरपी लेकर आ सकता है। ये है चाहते कि 2.5 है वैसे ही स्टेबल लेट टाइम स्लॉट पर भी। तो गाइस ये थी सारे शोज़ की टीआरपी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कौन सा है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे चैनल्स के फैंस के साथ। और गाइस ऐसी ही फुल टीआरपी डिटेल्स हर हफ्ते पाने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, उसके साथ में जो बेल आइकन है यानी कि घंटे का ऑप्शन है उसको भी दबा दीजिए, ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें, आपको पता चलता रहे आपका फेवरेट शो या फिर आपका फेवरेट चैनल कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।